बुलंदशहर से बड़ी खबर, हुक्का भरने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध से मारपीट, वृद्ध के अस्पताल लाने के दौरान मौत। हुक्के में आग जलाने को लेकर मृतक और आरोपी के बीच हुआ था विवाद, मारपीट में वृद्ध की बिगड़ी हालत, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी हिरासत में। घटना की जांच में जुटी पुलिस, बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर की है घटना। संवाददाता मित्राणा। क्या नाम है तुम्हारा? कलवा नाम है। कलवा, कैसा हादसा हुआ ये, कैसे बुजुर्ग की मौत हो गई? ये हादसा तो ये अपना आप जो उसकी जान बूझ से हुआ। पूरी घटना बताओ क्या हुआ। मतलब बुढ़े जो आए थे मेरे पास, जो वहाँ पे हम खाना बना रहे थे चूल्हे पे बैठ के, तो बुढ़ा आया तो आंच बनने लगा। मैं बोले बाबा तुम मठार के भी आ सकते हो वैसे भी, तो उसे मैंने ऐसा कह दिया तो आंच जो भर कर ले गए आप जो वो जो किसी चिलम भर के। हाँ, आंच चिलम भर के मतलब ले गए। फिर उन्होंने अपने लड़के से जो कहा, उन्होंने कह दिया एक काम कर के इसने जो अपने लड़कियों को लेकर आए बेटे को जो कि इसने जो मुझे चिलम भरने जो भी बात कही हो उन्होंने जो कि जो कि इसने मुझसे बदतमीज बोला या बोला, तो उसका लड़का आगे बोला हाँ भाई ये का प्लॉट जो तेरा थोड़ी है ये। उसने मुझसे उल्टा सीधा बोला, उल्टा सीधा बोलने के बाद फिर उसने मुझसे मारपीट करी जो पहले एक भाई चिपटा फिर दूसरा भाई आया मेरे को मारने के लिए। फिर जब उसके पता पड़ गया जैसे जो उसका जो गुड्डा खत्म होगा, फिर उसके साल कम दो 15-20 जने मेरे घर को। बुजुर्ग की कैसे मौत हुई? आपने मुक्का मारा? नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं मारा। हमारे तो कोई भी मतलब ही नहीं है, एक उंगली भी टच नहीं हुई है बुड्ढे से हमारी जो। कैसे मौत हुई फिर उनकी? वो तो उन्हें ही पता कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है, क्यों हमारे यहाँ से बुड्ढे को ले गए थे वो जो। जब पब्लिक भीड़ शांति इकट्ठी हो रही है इतनी सारी, आप भी बचा सकते हो, कोई दूसरा ही बचा सकता है। तो वो चिलम भरने रोज आते थे? नहीं नहीं, वो तो आज आए थे। अरे हमारे तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ हमारे दो दरवाजे। कौन कौन आया था आपके घर पे? कौन कौन आया था आपके घर पे? मेरे घर पे उनके दो लड़के आए थे। पहले दो लड़के आए, फिर उसके बाद में कम से 15-20 जने मेरे को किवाड़ तोड़ी मेरी और मुझे भी मारा। अगर और परिवार के ना होते जो मृत हैं उनकी भी आखिर चिपटन टुकटा हुई। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने ही तो मारा मुझे, मैंने तो किसी पे एक उंगली भी नहीं उठाई है। थाना कोतवाली नगर के चांदपुर बाल्मीकि बस्ती में एक ही जात के दो व्यक्ति, एक विजय सिंह जिसकी मौत हुई है, इसके पड़ोस में कलुआ रहता है जिसके घर में हुक्के की आग लेने के लिए वो विजय गए थे और उन्होंने अपने हाथ से जो घर में चूल्हे पे खाना बन रहा था वहाँ से आग ली। इसी बात को लेकर के कलुआ ने इनके साथ कहासुनी की और उस कहासुनी में कलुआ ने एक मुक्का मारा जो विजय को पेट में कहीं लगा। थोड़ी देर बाद विजय बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल अभियुक्त कलुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।